हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है आरआरबी पीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस प्लस उसके क्वेश्चंस। तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में कर लूँगी। एक्चुअली इस पार्ट में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी जो मुझे पूछे गए थे एंड व्हाट आई आंसर्ड फॉर दैट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपना एक्सपीरियंस एंड जो भी कुछ टिप्स एंड थोड़े से सजेशन है वो बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो स्किप करना है, डायरेक्ट सजेशन देखना है, तो आप दूसरे वीडियो पर डायरेक्टली जा सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि आप दोनों वीडियोज पूरा देख लो ताकि आपको एक मॉक इंटरव्यू जैसा मेरा एक्सपीरियंस भी पता चल जाए। तो 17th of November को लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड फर्स्ट पैनल था। मॉर्निंग की बैच थी, लाइक 9 AM का हमको टाइम दिया था एंड मेरा इंटरव्यू अराउंड 12:15 वगैरह के आसपास हुआ था, लास्ट लास्ट में ही हुआ था। एंड स्टार्ट भी लेट हुआ था बिकॉज पहले डीवी हुआ है हमारा, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हुआ है सब बच्चों का एंड उसके बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे, तो उसके चलते थोड़ा लेट हो गया था। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने एंटर किया मैं बैठी, उसके बाद उन्होंने पूछा मुझे कि प्रिया वेर आर यू फ्रॉम। तो मैंने बोल दिया आई एम फ्रॉम बल्लारपुर ऑफ दिस दिस डिस्ट्रिक्ट एंड दिस दिस स्टेट, ये वो। जितना भी अगर आप अदर स्टेट से हो एंड महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्टेट भी मैंशन कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली होम टाउन जो भी है वो बता देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने पूछा बोला अपना होम टाउन, तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि स्पेशलिटी क्या है, आपके होम टाउन की स्पेशलिटी क्या है। तो मैंने उनको बताया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से अराइज हुआ कि क्या डिटेल्स में बताइए। एंड दे आस्क, लाइक मैंने बताया कि हाँ वी हैव इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पेपर मिल, ऐसा वगैरह बोला। तो उन्होंने इसलिए फिर पूछा कि बल्लारपुर या फिर बिल्ट पेपर मिल के डिटेल्स उन्होंने पूछे कि हाउ पेपर इज़ मेड, आर यू अवेयर ऑफ द प्रोसेस, ऐसा वगैरह, वेयर डू योर फादर वर्क्स, अगर ऐसा वगैरह पूछा मुझे। तो मैंने बोला एंड देन फिर मैंने डिटेल्स दी उनको पेपर मिल के बारे में। तो आपको हमेशा अपने जो भी होम टाउन है या फिर आसपास कुछ ऐसा फेमस कुछ स्पॉट है या कुछ है, तो आपको हमेशा उसको ध्यान में रख के अपना एक आंसर रेडी रखना है माइंड में कि आपको क्या आंसर देना है। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड था, जैसे उन्होंने होम टाउन पूछा तो मुझे पता था नेक्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क अबाउट द पेपर मिल डिटेल्स और एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। तो जैसे ही ये दो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हुआ, उसके बाद एक पैनल मेंबर ने कहा सुप्रिया यू आर एन आई टी ग्रेजुएट, यू हैव कम्प्लीटेड योर आई टी ग्रेजुएशन इन दिस ईयर। तो आई सेड येस सर। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत पूछा सो हाउ योर अकेडमिक बैकग्राउंड और योर ग्रेजुएशन विल हेल्प इन बैंक। तो जैसे कि मेरा आईटी था एंड आईटी इज़ एवरीवेयर, तो मैंने उसको थोड़ा सा एलोबरेट करके आंसर दिया कि सर एज आई हैव आईटी बैकग्राउंड, आई वर्कड ऑन कंप्यूटर्स फॉर ऑल द थ्री फोर ईयर्स इन माई ग्रेजुएशन, सो आई एम वेरी फैमिलियर विद द कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर एंड ऑल दिस मशीनरीज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इशूज़। तो ये सब चीज़ों में मुझे एक एडवांटेज है कि अगर कोई प्रॉब्लम आया सिस्टम में या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिचेज हुए, कोई ट्रबल शूटिंग इशू है, तो आई एम वेरी अवेयर, सो आई नो हाउ टू टैकल इट। इवन इफ आई कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, बट आई कैन फिगर आउट द प्रॉब्लम एंड रीच आउट टू द कंसर्न टीम, एंड जिसके कारण कस्टमर सर्विस में डिले नहीं होगा, प्लस थोड़ा टाइम भी मैं सेव कर सकती हूँ अगर मेरे साइड से इशू सॉल्व हो जाए तो। एंड उसके साथ मैंने एक दो और चीज़ें बोली कि जैसे डिजिटल बैंकिंग पे बैंक वर्क कर रहा है, बैंकिंग स्ट्रक्चर डिजिटल में जा रहा है, तो एज आई एम अवेयर ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज आई कैन लर्न इट फास्ट एंड डिलीवर द फास्टर सर्विस टू द कस्टमर्स। तो जैसे मैंने अभी डिजिटल बैंकिंग टर्म एक उनको दे दी थी, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इससे क्वेश्चन आएगा एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि वॉट इज़ डिजिटल बैंकिंग। तो मैंने एक्सप्लेन किया डिजिटल बैंकिंग क्या है, एक छोटा सा डेफिनेशन कि 24/7 सर्विस है। हमें कोई ऐसे बुकिश लैंग्वेज नहीं बोलनी है कि एकदम रट्टा मार के गए हैं एंड पेस्ट कॉपी पेस्ट करना नहीं है। जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेके एंड जो भी आप किसी को भी इन जनरल बताते हो कि हाँ इसका मतलब ये होता है, वैसे ही हमें इंटरव्यू में बताना है। ऐसे भी नहीं कि एकदम दोस्त को बता रहे उस टाइप से, बट या थोड़ा सा डिग्निफाइड वे में हमें उसे बताना है। बट ऐसा भी नहीं है कि बस एकदम बुक से कॉपी पेस्ट करा हुआ लैंग्वेज ही चाहिए उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। पैनल मेंबर्स आर वेरी यू नो लाइक वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबल, यू कैन से दे कैन एक्सेप्ट एनी डेफिनेशन, बट दैट शुड बी प्रिसाइज एंड ऑन पॉइंट एंड रिलेटेबल। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो डिजिटल बैंकिंग का मैंने बस ऐसे ही बोला, उस टाइम मुझे भी क्लिक नहीं हो रहा था कि एक्जैक्ट डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन क्या बोलूँ। तो मैंने बोला डिजिटल बैंकिंग इज अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग 24/7 सर्विसेज टू द कस्टमर, सो दैट कस्टमर सर्विस कैन नॉट गेट अफेक्टेड इन नॉन बैंकिंग आवर्स। तो इतना ही बोला था मैंने बस एग्जैक्टली सेम। तो देन दे सेड कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, हाउ इट हेल्प्स टू कस्टमर। जैसे कि मैंने बोला था कि इट हेल्प्स कस्टमर एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज बेटर इन बेटर वे। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट वही पूछा कि व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंस एंड हाउ इट हेल्प्स कस्टमर। एंड तो मैंने उसमें बोला कि 24/7 बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल होती है कस्टमर को। एंड मैंने उसमें एक थोड़ा कोविड का एग्जांपल दे दिया कि इन कोविड टाइम्स जहाँ पर अभी बाहर जाना रेस्ट्रिक्टेड है, बैंक्स में क्राउड अलाउड नहीं है एंड लिमिटेड बैंकिंग आवर्स है, तो उस वक्त कस्टमर्स को एक एडवांटेज था कि उनके पास अगर डिजिटल बैंकिंग के हेल्प से वो लोग अपने ट्रांजैक्शन लाइक आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी, ये सब ट्रांजैक्शन, यूपीआई, ये सब ट्रांजैक्शन कर सकते थे इजियर वे में। एंड उससे उनका टाइम भी सेव हुआ एंड वो सेफ भी थे घर पर एंड क्राउड एंड ये सब वगैरह भी अलाउड, ये अवॉइड हुआ क्राउडिंग वगैरह।
तो उन्होंने फिर इतना बोला मैंने, एंड एक दो चीज़ें शायद कुछ बोली थी, आई कैन नॉट रिकॉल इट नाउ, बट एक दो चीज़ें उस वक्त पढ़ा था तो उस वक्त याद था, तो सब मैंने बोल दी कि डिजिटल बैंकिंग ऐसे ऐसे हेल्प करता है, ये उसके इंपॉर्टेंस है। देन उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट पैनल मेंबर ने क्वेश्चन पूछा एचआर मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज आई हैव डन एमबीए इन एचआर फ्रॉम डिस्टेंस, तो उन्होंने ये मुझे पूछा कि एचआर मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मैंने उनको बताया कि एचआर मैनेजर इज़ लाइक मैनेजर फॉर पीपल, दे डील विद पीपल मैनेजमेंट एंड दे एक्ट एज अ इंटरमीडिएटर बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, दे आर एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, दे पॉइंट आउट एम्प्लॉयज़ इशू टू द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज टू द एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चिपका दिया वहाँ पर। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पैनल मेंबर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन आरआरबीज़, लाइक ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जंप नहीं करते हैं कोई कि हाँ एकदम रैपिड फायर नहीं चलता है, कुछ ना कुछ लिंक होता है बीच में, वहीं से क्वेश्चन अराइज होता है। तो मैंने एचआर मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोला, तो उसके बाद उन्होंने फिर एक पैनल मेंबर ने बोला कि ओके प्रिया यू हैव डन दिस 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 मच ऑफ एजुकेशन एंड यू ऑल्सो हैव अ जॉब एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू हैव डन योर एजुकेशन विद जॉब, ऐसा सब बोलते बोलते देन वाई यू आर इंटरेस्टेड इन आरआरबी, वाई यू वॉन्ट टू गो टू विलेज एरियाज वेन यू हैव लिव्ड इन मेट्रो सिटीज़, ऐसा वैसा। तो ये क्वेश्चन वहाँ से आया था कि वाई यू आर इंटरेस्टेड इन आरआरबीज, वाई यू आर इंटरेस्टेड टू गो इन विलेजेस। तो फर्स्ट मैंने ऐसा बोला कि सर फर्स्ट रीजन फॉर माई गोइंग इन आरआरबीज आर विलेजेस ओनली, बिकॉज आई एम वेरी फैसिनेटेड विद द विलेज लाइफ, आई लव विलेज लाइफ, द पीस एंड द नेचुरल सराउंडिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आर आर बी लाइक रीजनल रूरल बैंक्स हेल्प्स इन फार्मर वेलफेयर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप PSL, सो आई ऑलवेज वॉन्डर्स हाउ दे डू दिस एंड आई वॉज ऑलवेज कंसर्न कि हाउ दे कंट्रीब्यूट एंड हाउ दे हैंडल फार्मर्स और रूरल इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा बोला था कुछ तो कुछ तो मैं हमेशा से जाना चाहती थी आरआरबी में, ऐसा सब मैंने बोल दिया। एंड फिर उन्होंने वही बोला था कि सो यू डोंट हैव एनी इशू लिविंग इन विलेजेस वगैरह, तो मैंने बोला कि नो सर आई डोंट हैव एनी इशूज़ बिकॉज बोथ माई पेरेंट्स आर फ्रॉम विलेजेस, वी आर स्टेइंग इन अ सिटी बट दे बिलोंग्स टू विलेज एंड स्टिल व्हेन इन वेकेशन वी यूज टू गो टू विलेजेस एंड आई लव द लाइफ देयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने चिपका दिया। सो ऐसा हमको प्रिपेयर्ड जाना है, आपको पता है आरआरबी है, सिटी पोस्टिंग भी होती है बट कंसिडर करो कि हाँ विलेज पोस्टिंग ही है बिकॉज आरआरबी का मॉडल इज़ लाइक दैट, जहाँ पर मोस्टली ब्रांचेज रूरल एरिया में है, रूरल एरिया में ही है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप बहुत मेट्रो सिटीज़ में रहे। तो जैसे कि सिक्स क्वेश्चन के आंसर में मैंने आरआरबी के मेजर रोल्स बताए कि आरआरबी फार्मर वेलफेयर में काम करती है, एसएफजी को हेल्प करती है, पीएसएल में बहुत मेजर रोल प्ले करती है, रूरल इंडिया का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्लस जो भी है फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत हेल्प करती है, ये सब तो मैंने ये जानबूझ के मेरे आंसर में ये इंक्लूड किया था ताकि इसमें से कोई ना कोई एक एक टर्म वो पिक कर ले और उससे मुझे क्वेश्चन पूछे, मैंने जानबूझ के वो डाले थे क्योंकि मुझे आते थे ना उसके आंसर्स मुझे आते हैं, तो मैंने जानबूझ के वो सब उसमें इन्फ्यूज़ किया था कि वो वहाँ से एक टर्म उठाए और मुझे उससे रिगार्डिंग पूछे। तो वही एक्चुअली आई वॉन्टेड टू गिव देम अ क्वेश्चन फॉर फ्रॉम माई आंसर, सो एंड आई वॉज 99% श्योर कि ये होगा, तो वही हुआ, उन्होंने फिर वहाँ से एक SFG उठा लिया, तो SFG उठाया, SFG भी एक्चुअली क्यों उठाया क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस बोलने इतने सारे टर्म्स देने के बाद उन्होंने बोला एक पैनल मेंबर ने नेक्स्ट पैनल मेंबर ने मुझे पूछा कि वॉट इज़ योर एग्जैक्ट मोटो, कि टेल मी इन वन वर्ड, बोले ही एग्जैक्टली सेड लाइक कि टेल मी इन वन वर्ड वॉट यू वाई यू वॉन्ट टू कम टू आरआरबीज एंड इफ यू ज्वाइन आरआरबी वॉट वन फील्ड यू विल चूज़ टू एक्सप्लोर मोर और टू कंट्रीब्यूट मोर। तो मैंने फिर उसका आंसर SFG दिया था, तो देन ही आस्क वाई SFG एंड वॉट इज़ SFG, तो मैंने फिर उसका आंसर किया SFG का कि दीज आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड जो भी टेक्निकल डेफिनेशन है दे कलेक्ट मनीज फ्रॉम अदर्स फ्रॉम ईच अदर एंड क्या प्रोवाइड ईच अदर लोन्स ऑन देयर इंटरेस्ट रेट्स एंड हेल्प ईच अदर इन देयर बैड टाइम्स और इन फॉर एनी बिजनेस पर्पज़ और स्मॉल बिजनेस पर्पज़, ऐसा सब बोला था, कोई टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बोला था, बेसिक लैंग्वेज में मैंने बोल दिया था। ये क्वेश्चन फिर मराठी में पूछा उन्होंने मुझे, तो जैसे उन्होंने मराठी में पूछा तो मैंने मराठी में रिवर्ट किया कि SFGs किस प्रकार एक दूसरे की सहायता करते हैं, वो लोग एक दूसरे को जानते हैं तो ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट के बेसिस पे लोन दे देते हैं, बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जो हसल फ्री या कुछ भी प्रॉब्लमेटिक फ्री लोन मिल जाता है बिकॉज दे नो ईच अदर वेल, तो वो लोग ट्रस्ट के बेसिस पे एक दूसरे को पैसे देते हैं जिससे कि किसी की भी वो एडहॉक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एंड वो अपने इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड करते हैं, ऐसा वैसा बोला था। एंड फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि वाई यू वॉन्ट टू गो इन दिस फील्ड, वाई यू वॉन्ट टू हेल्प SFG, तो फिर मैंने बोला था कि SFG में स्पेशली सर आई वॉन्ट टू हेल्प दी वुमेन SFG, जहाँ पर बिकॉज रूरल एरियाज़ में वुमेंस को बाहर निकल कर जॉब करने के लिए सोर्सेज नहीं होती है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते या फिर परमिशन नहीं होता है, उनको एक तो पूरा फार्मिंग पे डिपेंड होना होता है या फिर उनके फैमिली मेंबर्स हस्बैंड्स पे या अदर फैमिली मेंबर्स पे वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, तो उस केस में मैं चाहती हूँ कि बैंक के पास अगर ऐसी कोई स्कीम्स है जिससे हम उनके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके, उन तक वो पहुँचा सके, क्योंकि बैंक के पास बहुत स्कीम्स है बट डिलीवरी
होती नहीं है, जो डिलीवरी गैप है उसके कारण लोगों को पता नहीं चलता है कि हम ये फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। एंड बैंक के मेंबर्स को या एम्प्लॉयज़ को भी वो डिलीवरी गैप के कारण एग्जैक्ट क्राउड नहीं पता चलता है कि ये किनके पास जाना चाहिए। तो उस फील्ड में मैं जाना चाहूँगी, एंड ये ऐसा अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स है तो वो मैं डिलीवर करना चाहूँगी उन लोगों तक, एंड जिससे कि उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, वो इंडिपेंडेंट हो सके एंड उनके अंडर बाकी लोग भी एम्प्लॉयमेंट पा सके। तो ये सब मैंने बोला था। आई डोंट नो कितना परसेंट मैंने उस वक्त सेंस किया था, मतलब सेंसेबल थी मैं, बट ये सब मैंने मीन करके ही बोला था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उन्होंने वही पूछा कि डू यू नो द नोबेल प्राइज़ विनर इन SFG वर्क। तो ये मैंने थोड़ा सा घाई घाई में एकदम, मतलब मैंने सोचा भी नहीं, तुरंत बोल दिया नेल्सन मंडेला। तो ही सेड नो 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 मैम यू आर गोइंग रॉन्ग, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो फिर अदर पैनल मेंबर ने बोला कि नो ही मस्ट बी एंड बांग्लादेशी मैन, ऐसा ऐसा वो सोच रहे थे, लाइक वो बोल रहे थे। तो मैंने उनका सुन के फिर मुझे हिंट मिला कि ओके बांग्लादेशी मैन। तो फिर मुझे याद आया कि मिस्टर मोहम्मद यूनुस, आई थिंक, आई डोंट नो, आई कैन नॉट रिकॉल इट नाउ, आई मे बी रॉन्ग, बट हाँ ही वॉज मिस्टर मोहम्मद यूनुस आई गेस। तो मैंने फिर तुरंत रिवर्ट कर दिया कि सर मिस्टर मोहम्मद यूनुस। ही सेड येस येस नाउ यू आर करेक्ट। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे एक पैनल मेंबर ने पूछा कि प्रिया डू यू हैव अ बैंक अकाउंट। तो मैंने बोला कि येस सर आई हैव, इतना ही बोलना है, क्योंकि उन्होंने बस क्या पूछा है, बैंक अकाउंट है क्या, कौन से बैंक में, क्यों है, उनको पूछने दो तब बताओ, सब कुछ आप ऑलरेडी बता दूंगे ना, तो उनके पास क्वेश्चन नहीं बचेंगे, फिर वो लोग फिर बहुत डीप में जाके पूछेंगे आपको कुछ ना कुछ अलग। तो इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चन उनको ही पूछने देना है हमेशा, कोई भी हो, इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, हमको जितना पूछा गया उतना बताओ। तो फिर मैंने उनको बोला कि यस सर आई हैव अ बैंक अकाउंट। तो फिर उन्होंने पूछा कि विच अकाउंट यू हैव, आई सेड सेविंग अकाउंट, इन विच बैंक, तो देन आई सेड कि इन बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा ऐसा। तो उस वक्त मुझे बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन वगैरह याद था, इसलिए मैंने बैंक ऑफ इंडिया बोल दिया था। एंड तो ऐसा भी आप कर सकते हो, बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेड था कि अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया का नाम लूँ तो हो सकता है इसके रिलेटेड भी कुछ पूछ ले। तो ये सब मैंने ऐसे माइंड में पहले से फ्रेम करके रखा था, मेरा एक ऐसा स्क्रिप्टेड इंटरव्यू, एंड वो समवेयर लाइक वैसे ही गया है, वो 80% तो वैसे ही गया है, वो मेरी डायरेक्शन में फ्लो होते गया, या फिर आप बोल सकते हो कि मैंने उसको वैसा अपने डायरेक्शन में खींचा, क्योंकि हमको वही करना है, हमको जो आता है उसको उधर ही लेके जाना है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर मुझे पूछा कि डू यू नो हाउ बैंक जनरेट प्रॉफिट। तो फिर मैंने उसको बोला कि फ्रॉम लोन्स एंड फ्रॉम द कमीशंस दे अर्न फ्रॉम द बैंकिंग सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे सेड ओके, सो डू यू नो द टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। मैंने बोला येस सर, तो टेल मी, ऐसे उन्होंने बोला। तो मैंने फिर उनको बोल दिया कि टू टाइप्स के बेसिक डिपॉजिट्स होते हैं, टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, एंड उसके अंडर फिर ये इधर RDFD होता है, एंड डिमांड में बाकी दो होते हैं, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ऐसे मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तो आउट ऑफ दिस फोर विच वन अकाउंट इज़ बेस्ट फॉर द बैंक, लाइक विच वन वन फील्ड इज़ बेस्ट फॉर बैंक। तो मैंने तब FD बोल दिया, फिक्स डिपॉजिट आर बेस्ट फॉर बैंक। तो उनको वो भी उनका चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा हो गया था, क्या ऐसे क्यों बोल रही है ये। तो वो देख के एक्सप्रेशन देख के मुझे क्लिक हो गया, ओ शिट मैंने कुछ तो गलत बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, बट अभी बोल दिया है तो फिर उसको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा, अभी हम नहीं बोल सकते कि नो नो नो। एंड उस वक्त मुझे सोचा भी नहीं कि मेरा करंट अकाउंट ऐसा बोलना का मतलब बोलना चाहिए था करंट अकाउंट, अगर सोचता तो मैं बोल भी देती कि नो सर एक्चुअली करंट अकाउंट्स आर बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट आर फिक्स डिपॉजिट, ऐसा मैं चिपका सकती थी उस वक्त, बट मुझे करंट अकाउंट भी उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नहीं सोचा, तो फिर मैंने फिक्स डिपॉजिट को पकड़ के बैठी। तो देन दे आस्क कि क्यों ऐसे कैसे, मतलब फिक्स डिपॉजिट किस हिसाब से, ऐसे उनका एक्सप्रेशन थे। तो देन ही सेड कि हाउ फिक्स डिपॉजिट हेल्प इन बैंक। तो मैंने उनको बताया कि फिक्स डिपॉजिट आर मनी फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, फिक्स्ड होता है, तो हम वो मनी लाइक बैंक, हम मतलब बैंक वो मनी अपने बाकी पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकता है, जैसे लोन देने में या फिर इन्वेस्टमेंट में या फिर समथिंग लाइक दैट, ऐसे ये कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि बट फिक्स डिपॉजिट पे भी तो हम इंटरेस्ट देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि सर जो फिक्स डिपॉजिट पे हम इंटरेस्ट रेट देते हैं एंड जो हम लोन के लिए इंटरेस्ट रेट लेते हैं, कस्टमर से चार्ज करते हैं, उसमें बहुत जो गैप होता है वही कमीशन होता है बैंक का, एंड वही से बैंक का प्रॉफिट जनरेट होता है। देन ही सेड कि लोन तो NPA हो जाते हैं, लोन तो वापस नहीं आते, फिर कैसे प्रॉफिट जनरेट होगा, लोग इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करते टाइम टू टाइम, ऐसा वैसा। तो मैंने उनको बोला कि अगर ऐसा भी होता है, अगर NPA होते भी है, तो सर हमारे पास उनकी सिक्योरिटीज़ होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी हर जगह होती है, ऐसा वगैरह मैंने बोला था। तो ये एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें मैंने गलत बोल दिया, तो आई थिंक मेरे मार्क्स वहाँ कटे होंगे फॉर श्योर। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था पीपल मैनेजमेंट में, जो लेडी पैनल मेंबर मैडम थी उन्होंने मुझे पूछा। तो मैडम ने मुझे पूछा था कि सपोज़ प्रिया यू आर एन हेड HR इन अ बैंक एंड आपके बैंक में 4 एम्प्लॉयज़ है, जिसमें से एक एम्प्लॉय डेली लेट आता है, कंटिन्यूसली वो 15 दिन के लिए लेट आ रहा है, 15 दिन से लेट आ रहा है, तो वट विल बी योर एक्शन, विल यू सस्पेंड हर और विल यू ट्रांसफ़र हर और विल यू इग्नोर इट। तो उनका ये क्वेश्चन था, वट विल बी योर एक्शन।
तो मैंने उनको बोला कि मैम सस्पेंड एंड ट्रांसफ़र आई वॉन्ट गो इन द फर्स्ट गो, जैसे कि आरबीआई भी कोई अगर बैंक में फेलियर्स आते हैं या कुछ ग्लिचेस आते हैं तो आरबीआई भी पहले मोरल सुएशन देता है, उसके बाद पेनल्टीज लगाता है, उसके बाद वो कोई स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेता है। तो उसी तरह मैं भी मोरल सुएशन, जैसे कि मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी, उनको पूछूंगी कि वॉट इज़ द रीज़न वाई यू आर कमिंग लेट, इज़ देयर एनी पर्टिकुलर रीज़न और इमरजेंसीज। तो फिर मैडम ने मुझे बोला बीच में कि नो नो नो, देर इज़ नो इमरजेंसी, नो सच रीज़न, स्टिल शी इज़ कमिंग लेट, देन वॉट विल यू डू। तो मैंने उनको बोला कि उसके बाद मैं अगर ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है तो मैं मैम नेक्स्ट एक्शन लूँगी, बट अगर ऐसा कुछ रीज़न रहा तो मैं एंड बैंक का स्टाफ भी हम उन्हें कोऑर्डिनेट करेंगे, बिकॉज कुछ इमरजेंसीज सबको आती है जो कि अवॉइडेबल नहीं होती है, तो हम कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक उनको उनका ये बिहेवियर हैंडल कर सकते हैं। बट अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, विदाउट एनी रीज़न शी इज़ कमिंग लेट, तो आई विल ट्राई कि मैं उनको साथ में लेके आऊँ अगर वो मेरे रास्ते में रहती है। आई डोंट नो वाई आई सेड दिस, बट मैंने ऐसे बोल दिया हवे में कि अगर वो मेरे रास्ते में रहती है तो आई विल ट्राई कि मैं उनको साथ में ही, उनके साथ ही बैंक जल्दी आऊँ, तो दोनों भी हम साथ में आएंगे तो उनको लेट नहीं होगा। तो फिर भी मैम मुझे प्रेशराइज़ करे जा रहे थे कि मतलब आप कुछ नहीं करोगी क्या अगर वो सुनी नहीं रही है आपकी बात। तो मैंने कहा कि मैम मैं उनको वार्निंग्स दूंगी, उनको कहूंगी कि अगर आपने हमारा जो भी प्रोफेशनलिज्म है मेंटेन नहीं करा, जो टाइम लिमिट्स है उसको फॉलो नहीं की, तो मुझे ये इशू एस्केलेट करना पड़ेगा हायर अथॉरिटीज़ को एंड स्ट्रिक्ट एक्शन कुछ लेना पड़ेगा। एंड फिर भी अगर नहीं मानी वो तो मैं उनको समझाऊंगी, प्लस एज अ कलीग उनको समझाऊंगी कि आपने ये प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, हम एक टाइम बाउंड में काम करते हैं बैंक्स में एंड हमें उस टाइम बाउंड में कस्टमर को पूरी सर्विस देनी है, पूरी उनके जो भी हमारे बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, बैंकिंग के जो भी सर्विसेज है वो सब उन तक डिलीवर कराने हैं, तो आप ऐसा अनप्रोफेशनलिज्म मत दिखाइए। तो फिर भी मैम बोल रही थी कि फिर भी दिखाई रही है, बोले मतलब मैम इनडायरेक्टली शी वॉन्टेड टू नो फोर्स हर आंसर ऑन मी, शी वॉन्टेड टू चेक कि मैं कितना ऐसे स्टेबल रहती हूँ, कितना स्ट्रिक्ट रहती हूँ अपने वर्ड्स को लेके, या फिर मैं बोल देती हूँ कि नहीं नहीं मैं तो कर दूँगी सस्पेंड, मेरे पास तो पावर है, नहीं मान रही है तो मैं क्या करूँ ऐसा वैसा। तो बट मैंने नहीं बोला, ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं करते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, अगर कोई एचआर मैनेजर है भी, अगर मैं खुद भी हूँ तो मैं डायरेक्टली किसी को निकाल नहीं सकती हूँ, ऑब्वियसली यू नो। तो इसलिए मैंने फिर अपना थोड़ा काम रख के फिर मैंने मैडम को बोला कि मैम आई डोंट थिंक कि इतना लिमिट के अनप्रोफेशनलिज्म तक कोई जाएगा, बिकॉज जितना बैंक को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उतना ही एम्प्लॉयज़ को भी बैंक की ज़रूरत है, बिकॉज एम्प्लॉय को बैंक इनकम देता है, सोर्स ऑफ इनकम है उनका, प्लस उनको रेपुटेशन देता है सोसाइटी में, उनको एक रेपुटेबल जॉब मिलती है, इनकम मिलता है एंड वो जिसके कारण एक ईजी लाइफ जी रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, बोली कि कोई भी अपनी ये सब जो फैसिलिटीज़ है या ये सब जो है वो अवॉइड करके, वो सब छोड़ के इतना अनप्रोफेशनलिज्म मेंटेन करेगा कि उसके जॉब जाने तक की बात आ जाए या सस्पेंशन का ऑर्डर आने तक वो ऐसा अनप्रोफेशनलिज्म मेंटेन करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है बोली। तो फिर मैडम कहीं जाके शांत हुई, मैडम ने बोला ओके मैडम, एंड फिर मेरा इंटरव्यू ऐसे ख़त्म हो गया। देन फिर मैडम के क्वेश्चन के बाद सबने स्माइल वगैरह किया एंड यस प्रिया विल सी यू सून, ऐसा यू कैन गो नाउ ऐसा बोले। एंड देन फिर मैंने सबको थैंक यू सर, जिन्होंने मुझे बोला था यू कैन गो नाउ उनको थैंक यू बोला देखकर, एंड फिर उन्होंने बोला यस हैव अ नाइस डे, तो मैंने भी रिवर्ट किया हैव अ नाइस डे ऑल, नाइस डे टू यू ऑल ऐसा बोल के फिर मैं भी निकल गई एंड डोर ओपन करके बाहर आ गई। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, 8 to 10 मिनट्स से इंटरव्यू चला एंड इंग्लिश मराठी दोनों लैंग्वेज मिक्स था। अभी मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पीपल नोज हिंदी, तो इसलिए मैंने हिंदी में बोला है, अदरवाइज मेरे जो 6 के बाद के आंसर्स थे, 6 से लाइक आरआरबी का जब से डिस्कशन स्टार्ट हुआ उसके बाद से मोस्टली हिंदी में ही थे, बस ये नोबेल प्राइज़ वाला छोड़ के सॉरी उसके बाद के सारे मराठी में ही थे। तो ये सब मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, ये क्वेश्चन थे एंड इसका पार्ट 2 मैं अभी अपलोड करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कुछ टिप्स एंड जो मिस्टेक्स मैंने की, जो मैंने एनालाइज किया बाहर निकलने के बाद कि अरे शिट ये गलत कर दिया, इससे मेरा निगेटिव इम्पैक्ट गिर सकता था या गिरा होगा, तो वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड टिल दैट, एंड अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आई होप इसने कुछ ना कुछ आपको हेल्प की होगी जो भी क्वेश्चंस है उसको देखने में, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी एक जो कि थी क्वेश्चंस के आंसर को ऐसे फ्रेम करना जिससे नया क्वेश्चन उनको ऑटोमेटिकली मिल जाए, बिकॉज वो लोगों को इतने लोगों का इंटरव्यू लेना है, वो सबके लिए लिस्ट लगा के तो नहीं बैठते हैं कि हम इससे ये पूछेंगे, चलो प्रिया आएगी उससे ये 10 क्वेश्चन पूछेंगे, कोई और बंदा आएगा उसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा वो लोग फ्रेम करके नहीं बैठते हैं, वो हमारी ही पर्सनालिटी को जज करने के लिए बैठे हैं, पर्सनालिटी को यू नो एक्सप्लोर करने के लिए बैठे हैं, तो हमें ऐसा ही एक्सप्रेसिव होना है एंड उसको अपने आंसर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना है जिससे उनको डायरेक्टली एक क्वेश्चन मिल जाए कि हाँ कुछ तो उनको ऐसा लगे ओ इंटरेस्टिंग लगे कि ओ ये पूछते हैं, ये ऐसा क्यों बोला इस इंसान ने, हम इसको डिटेल में पूछते हैं, ऐसा करके आप उसको फ्रेम करें, ट्राई करें। एंड स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे एजुकेशन हो, होम टाउन, ये सब चीज़ें, एकेडमिक बैकग्राउंड, ये तो आपको कॉन्फिडेंटली ही फ्रेम करना है, उसमें आपको अटकना नहीं है या फिर ऐसे
क्या बोलते हैं उसको, सोचना नहीं है, ऑन टाइम नहीं सोचना है, ये सब चीज़ें जो 8 to 10 फिक्स क्वेश्चंस होते हैं आपके पर्सनलिटी से रिलेटेड, आपकी पर्सनल चॉइसेस, पर्सनल होम, अपने पर्सनल जो भी है इंटरेस्ट उससे रिलेटेड, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली फ्रेम करके जाना है। बाकी टेक्निकल चीज़ों में तो ऑब्वियसली सबके पास आंसर होते हैं क्योंकि बुक में पढ़ा हुआ है, बिक में लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा है, मीन्स निकाला है, तो ऑब्वियसली यू नो ऑल दिस। बट जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंट दिखना है। तो ये था मेरा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड एक्सपीरियंस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर द टिप्स एंड माई मिस्टेक्स, तो आपको हेल्प मिलेगी, आप वो सब रिपीट ना करो एंड और अच्छा स्कोर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु हैव द इंटरव्यूज इन नियर टाइम्स। थैंक यू सो मच।